हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह है डेली मैथ रिवीजन का पार्ट 3 और इसमें हम देखने वाले हैं कुछ मैथ के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे आपका एग्जाम ग्रुप डी का हो, RPF का हो, SSC GD का हो, HSC का हो, कोई भी एग्जाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी पार्ट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियोस देखनी है अनअकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करेंगे। तो जैसे आप सभी को पता है कि मैं ये रिवीजन वीडियोस बना रहा हूँ तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ और आप इन वीडियोस को सीरियसली देखते रहिए। दो पार्ट पहले अपलोड हो चुके हैं जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर इस वीडियो के एंड में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो इन वीडियोज़ को देखते रहिए, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक कार में पेट्रोल की औसत खपत प्रथम 7 महीनों में 110 लीटर प्रति माह थी, ठीक है, तथा अगले 5 महीनों में यह खपत 86 लीटर प्रति माह हो थी। पूरे वर्ष में पेट्रोल की औसत खपत प्रति माह कितनी थी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि 12 महीने में कुल खपत हमारी कितनी हुई है। तो अगर मैं बात करूँ तो शुरू के 7 महीनों में आपका कितना रहा है, 110 लीटर प्रति माह, तो टोटल कितना खपत हुआ होगा शुरू के 7 महीनों में, तो 110 यानी कि 110 लीटर प्रति माह हुआ है ना, तो 7 महीनों में कितना हुआ होगा, 110 गुना 7 करेंगे तो 770 लीटर। फिर यहाँ पे बात की गई है 5 महीनों में यह खपत 86 लीटर प्रति माह हुई है, यानी कि 5 महीनों में 86 लीटर प्रति माह हुई है, तो इसका मतलब टोटल खपत कितनी है 5 महीनों में, 430 लीटर। तो टोटल अगर मैं मिला के बात करूँ तो पूरे 12 महीनों में 1200 लीटर की खपत हुई है। पूछा है कि पूरे वर्ष में पेट्रोल की औसत खपत कितनी हुई है, तो 1200 को हम 12 से भाग कर देंगे तो 100 लीटर प्रति माह ये खपत हुई है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, कई बार क्वेश्चन को पढ़ने में आप थोड़ी सी भी गलती कर जाएं तो इस टाइप की क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, सभी ने आपने कर भी लिया होगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, धीरे धीरे मैं आपका लेवल इंक्रीज करता जाऊंगा और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन कवर कराता जाऊंगा। नेक्स्ट है आपका, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल कितनी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं आपको कई बार पहले भी करा चुका हूँ, क्रैश कोर्स में भी करा चुका हूँ। तो यहाँ पे कैसे करना है भाई, देखिए किसी निश्चित दूरी का, यानी कि ये पूरी निश्चित दूरी है और इसका आधा भाग तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और आधा भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कवर करता है एक व्यक्ति। तो यहाँ पे भाग जो बताया गया आधा भाग, इसका मतलब ये मान लीजिए अगर 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है पूरी की पूरी, ठीक है, तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को ये कर रहा है 5 किलोमीटर, तो उसमें 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 3 किलोमीटर कर रहा है, सॉरी 5 किलोमीटर कर रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस मैंने मान ली, एक बार को मान लीजिए कि 10 किलोमीटर है, क्योंकि इक्वल इक्वल डिस्टेंस को दो अलग अलग चाल से कवर किया जा रहा है। तो इस टाइप की क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक ट्रिक याद रखनी है, 2xy/x+y, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी सेम डिस्टेंस को अलग अलग चाल से कवर करता है तो उसमें औसत चाल जो पूछी जाती है, एवरेज स्पीड जब पूछी जाती है, तो उसकी ट्रिक ये होती है, ठीक है। यहाँ पे आप ये गलती मत कर दीजिएगा कि 6 और 3 को प्लस करके 2 से भाग कर दो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल एक की है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल एक की है, तो दोनों को प्लस करके 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये गलत आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक्स वाई क्या है, एक्स वाई आपका ये पहले वाली चाल, ये दूसरे वाली चाल, तो 2 × x × यानी कि ये पहले वाली चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे वाली चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 6 × 2 × 3, तो कितना आ जाएगा आपका 36 और नीचे आ जाएगा आपका 9, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपके राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, बस ध्यान ये रखना है कि ये वाली ट्रिक आपकी तभी अप्लाई होगी जब किसी सेम डिस्टेंस को, यहाँ पे बोला ना कि आधा भाग तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा और आधा भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि किसी भी सेम डिस्टेंस को दो अलग अलग चाल से कवर किया जाता है और पूछ लिया जाता है कि औसत चाल बताइए, तो तब आपको इसको लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रमेश तथा सतीश की वर्तमान आयु का क्रम 40 वर्ष तथा 60 वर्ष है, यानी कि रमेश और सतीश की आयु कितनी है? रमेश की 40 है और सतीश की 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था? तो कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात ये था? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए 40 और 60 इनकी आयु है, ठीक है, तो कितने वर्ष पहले, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि 40 और 60 जो इनकी रमेश और सतीश की एज है, इसमें से एक्स एक्स माइनस कर दूंगा, इसमें से भी एक्स माइनस कर दूंगा, इसमें से भी एक्स माइनस कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि मैंने वो माइनस कर दिया, वो ईयर माइनस कर दिया जितने ईयर पहले इसका रेशो ये था, ठीक है ना। तो मैंने एक्स माइनस कर दिया तो इसका रेशो ये बन गया। तो यही तो मुझे बनाना था कि ये रेशो कितने ईयर पहले बनेगा। तो बस अब यहाँ पे आपको ये इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, भाई समझ रहे हैं ना आप। एक बार और बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे बोला जा रहा है रमेश और सतीश की वर्तमान आयु कितनी है, 40 और 60 है। अब पूछा कितने वर्ष पहले इनकी आयु का रेशो ये था, तो कितने वर्ष पहले की बात की जा रही है, तो मैं इसमें से एक्स माइनस कर दूंगा। भाई मुझे नहीं पता ना कितने वर्ष पहले की, तो मैंने वो जो वर्ष है ना वो मैंने एक्स मान लिया, तो दोनों में से एक्स एक्स माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आपका 3 और 5 के रेशो के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 के ऊपर करेंगे कितना हो जाएगा 200, और ये हो जाएगा आपका 5x। यहाँ पे कितना होगा 3 की 60 में करेंगे 180, और ये हो जाएगा माइनस 3x। तो यहाँ पे आप निकालेंगे तो एक्स एक्स ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो 2x बचेगा, और ये माइनस करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू बराबर एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 10। तो ये 10 साल पहले इसकी आयु का रेशो कितना था, 3:5, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, हेमा तथा श्याम की आयु का अनुपात 3:5 है। यदि हेमा की आयु श्यामा की आयु से 8 वर्ष कम हो तो बताओ श्यामा की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। देखिए यहाँ पे हेमा और जो श्यामा है, ये श्याम या श्यामा कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है। तो हेमा और श्याम जो है, यहाँ पे इनकी आयु का जो रेशो दे रखा 3:5 है, ठीक है। बोला है कि यदि हेमा की आयु श्यामा की आयु से 8 वर्ष कम है, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस जो है 8 वर्ष का दिया है। बोला है ना कि हेमा की आयु श्यामा की आयु से 8 वर्ष कम है, तो बताओ श्यामा की आयु 4 वर्ष बाद कितनी होगी। अब मुझे ये बताइए, इनका रेशो हमें दिया है 3 और 5, तो 3 5 के बीच का डिफरेंस कितना है 2, यानी कि 2 रेशो बराबर कितना हो जाएगा 8। भाई इनके बीच का जो डिफरेंस अगर देखा जाए ईयर्स में तो 8 ईयर का है, बट अगर रेशो में देखा जाए तो केवल 2 रेशो के बराबर है। तो 2 रेशो बराबर आपका 8 हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 इज इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा, 2 से 8 जाएगा 4 टाइम। तो यहाँ पे 1 आपका 1 रेशो बराबर 4 है। तो अगर आपको 1 रेशो की वैल्यू पता चल गई तो आप कुछ भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। पूछा है तो बताओ श्यामा की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। तो श्यामा की आयु पूछी है, तो 1 रेशो बराबर 4 है, तो पहले तो सबसे पहले श्यामा की 5 रेशो की वैल्यू निकालिए कितनी हो जाएगी 20, और ये 20 क्या है, ये वर्तमान आयु है यानी कि प्रेजेंट की आयु है। तो इसमें पूछा है कि 4 वर्ष बाद क्या होगी, तो इसमें 4 प्लस कर देंगे तो 24 ईयर हो जाएगी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और मैं करा चुका हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन, ये अभी आपका रिविजन चल रहा है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी हम कवर कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। नेक्स्ट बोला जा रहा है, इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है, तो इन दोनों की आयु का अनुपात 4:3 है, 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इस समय प्रदीप की आयु कितनी है। तो देखिए आपको यहां पे जो अशोक की आयु दी गई है 26 वर्ष, ये कब की दी गई है, 6 वर्ष बाद की, और जो रेशो दिया गया है यहां पे अशोक और प्रदीप का वो दिया गया है वर्तमान का, ठीक है। इस समय अशोक की आयु और प्रदीप की आयु का अनुपात कितना है, 4:3, यानी कि अशोक और प्रदीप का वर्तमान का रेशो दे रखा है 4:3, बट 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इस समय प्रदीप की आयु कितनी है। तो 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष है, तो आपको क्या करना है, 26 में से 6 को माइनस कर देंगे। भाई 26 में से 6 को माइनस कर देंगे तो 20 आएगा, तो अशोक की ये 20 जो ईयर आई है ये प्रेजेंट एज आ गई, यानी कि वर्तमान की, क्योंकि 26 जो थी ये 6 साल बाद की थी। तो अशोक की हमें पता चल गया है प्रेजेंट एज 20 है, अशोक का जो प्रेजेंट में रेशो है एज का वो हमें पता है 4 है, क्योंकि अशोक और प्रदीप का रेशो कितना है 4:3, तो अशोक का जो रेशो है 4 है, तो 4 इक्वल आपका कितना हो जाएगा 20, तो 4 के इक्वल आपका 20 है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, प्रदीप की आयु निकालनी है, तो इस समय प्रदीप की आयु कितनी है, तो आपको क्या करना है 20 को 4 से डिवाइड करना है,
20 को 4 से डिवाइड करना है, और प्रदीप की एज पूछी है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 से 20 जाएगा 5 टाइम और 5 की 3 में हो जाएगा 15, या यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मिस्टर एलिगेशन से। तो यहाँ पे बोला जा रहा है 12 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है 12 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु 18 रुपये प्रति किलोग्राम की। तो थोड़ा सा पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, मिक्सचर एलिगेशन कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या आपकी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए दो वैल्यू है, एक तो 12 रुपये प्रति किलोग्राम, एक 18 रुपये प्रति किलोग्राम। यहाँ पे बोला जा रहा है इन्हें दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए कि जो तीसरी वैल्यू बने उसको हम 15 रुपये प्रति किलोग्राम में बेच लें। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ें चाहिए होती है, तीन चीज़ें चाहिए होती है जब भी आप मिक्सर एलिगेशन लगाते हैं, उसमें क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। जो ये बीच में आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है ना, जो ये मीन वैल्यू बोल सकते हैं हम, एवरेज वैल्यू बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आपकी होती है ये एक से तो आपकी छोटी होनी चाहिए और एक से बड़ी होनी चाहिए। तो ये 18 से 15 छोटा है और 12 से बड़ा है, तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इजिली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, 12 और 18 जो है, और यहाँ पे आपको 15 रख के इस तरीके से एलिगेशन लगाएंगे, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 3 आ जाएगा, इनका डिफरेंस लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया भाई, 15 में से 12 को माइनस करें, यहाँ पे आप माइनस ये मत कर दीजिएगा, एलिगेशन में ये गलती मत करिएगा कि 12 में से 15 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 लिखेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस को इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 3 लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 1:1, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1:1 के रेशियो में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो ये 15 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु को बेचा जा सकता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और समझते हैं यहीं पे साथ ही साथ में, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आप यहाँ पे मतलब मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि गलती कर सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है 10 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल और 16 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचे जाए कि 20% का लाभ हो। अब यहाँ पे जो लाभ वाली कंडीशन आई है इसको पहले आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये वैल्यू है 10 रुपये प्रति किलोग्राम, 16 रुपये प्रति किलोग्राम, ये कॉस्ट प्राइस है, तो आपको यहाँ पे तीनों कॉस्ट प्राइस ही लेने हैं। अगर यहाँ पे तीनों प्रॉफिट वाले प्राइस हैं तो तीनों प्रॉफिट वाले प्राइस लेने हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता कि दो प्राइस आपके कॉस्ट प्राइस रहे और तीसरा प्रॉफिट प्राइस रहे। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, ये कॉस्ट प्राइस है ये भी, तो इसको भी कॉस्ट प्राइस बनाना है, क्योंकि 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव बेचने पर 20% का लाभ उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो आपको क्या करना है, 18 को 120 से भाग करना है। क्यों करना है 120 से, जब किसी चीज़ में प्रॉफिट होता है तो ये वो वैल्यू 100 से उतनी ही इंक्रीज हो जाती है। भाई सीपी जो हमारी होती है, कॉस्ट प्राइस जो होती है हमारी, वो 100% होती है। तो जब भी हम किसी चीज़ पर प्रॉफिट अर्न करते हैं, कमाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें 20% या जितना भी परसेंट होगा उतना ही इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 18 में आपका 120% हो जाएगा, 18 किसके इक्वल हो जाएगा, 120% के, क्योंकि इसमें 20% प्रॉफिट है, और गुना कर देंगे इसको 100 से, क्योंकि हमें इसको 100% की वैल्यू बनाना है। तो आप क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, देखिए 2 से, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा ये 9 टाइम जाएगा आपका, ठीक है। देखिए 0 से तो 0 मैंने कट कर दिया, ये जाएगा आपका 6 टाइम और ये जाएगा 9 टाइम, 3 से ये जाएगा 3 × 9 और ये जाएगा 3 × 2 × 6 और 2 से जाएगा देखिए 5 टाइम, तो आपका यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, तो कितना हो जाएगा 15, यानी कि जो बीच में वैल्यू रखी जाएगी वो 15 रखनी है, आपको 18 नहीं रखनी है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि 18 रख के क्वेश्चन वो कर जाते हैं और वहाँ पे आपका आंसर गलत आ जाता है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 5, इसको इसमें से माइनस करेंगे 1, तो 1:5 का रेशो आपका आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे 1:5 का रेशो में मिलाया जाए तो आपका यही पूछा गया है कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि 18% का लाभ हो, तो 1:5 के रेशो में मिलाया जाए तो आपका 18% का लाभ हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में तथा बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सके तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए अब यहाँ पे जो होता है सिंपल क्वेश्चन है, बट पहले उससे पहले सिंपल बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट लैंग्वेज नहीं दे रखी है। यहाँ पे ये नहीं दे रखा कि ए इस काम को इतने दिन में कर लेता है, बी उस काम को इतने दिन में कर लेता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले उस कंडीशन पे आपको लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया क्या गया है, सबसे पहले उस पे देखते हैं, 2/5 भाग को ए जो है 2/5 भाग को 12 दिन में कर ले रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये टोटल वर्क अगर इससे ही कराया जाए,
2/5 भाग की ना बात करके मैं बोलूँ कि इससे टोटल वर्क ए से ही कराया जाए तो कितने दिन में करेगा, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 2/5 भाग लिखना है, उल्टा कर दीजिए 5/2 और गुणा कर दीजिए 12 से, बस इतना आपको करना है। तो कितना हो जाएगा ये, इसको सोल्व करेंगे तो 30 आ जाएगा, यानी कि ए पूरा कंप्लीट वर्क करने में 30 दिन लेगा। 2/5 भाग को करने में तो 12 दिन ले रहा है, बट पूरा वर्क अगर ए से ही कराया जाए तो 30 दिन लेगा, ठीक है। चलिए बी से भी ऐसे ही करा लेते हैं, बी 1/3 भाग को तो 5 दिन में कर ले रहा है, तो अगर बी से टोटल वर्क कराया जाए तो कितने दिन में करेगा, तो आपको उल्टा कर देना है, 1/3 लिखा है तो 3/1 लिख देना है और मल्टीप्लाई 5 की कर देनी है, तो कितना आएगा 15 आ जाएगा, यानी कि बी के द्वारा पूरा कार्य कितने दिन में किया जाएगा 15 डेज में, और ए के द्वारा पूरा कार्य कितने दिन में किया जाएगा वो 30 डेज में। तो यहाँ पे 30 और 15 आ गया है, तो अब आपकी वही कंडीशन बन चुकी है जो कि सिंपल क्वेश्चन में होती है, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होता है, आपका टोटल यूनिट वर्क, तो 30 और 15 का एलसीएम आपका 30 आ जाएगा, सिंपल है। तो 30 आपका जो है टोटल एलसीएम यानी कि टोटल वर्क आ गया, इस वर्क को ए 30 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, 30 को 30 से भाग करेंगे तो ए एक दिन में 1 यूनिट वर्क करता है। इसी काम को बी 15 दिन में कर लेता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, 30 को 15 से भाग करेंगे तो बी एक दिन में 2 यूनिट वर्क करता है। दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट वर्क करते हैं, तो इस 30 यूनिट वर्क को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 30 को 3 से भाग कर देंगे, तो 10 डेज आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक आदमी अकेला इसे 6 दिन में समाप्त करे तथा एक लड़का इसे 18 दिन में समाप्त करे, तो एक औरत अकेली इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक आदमी, वन मैन, वन फीमेल एंड वन बॉय, एक लड़का इस काम को 3 दिन में कर लेता है, ठीक है। मैंने बिल्कुल वैसे लिख लिया जैसे क्वेश्चन में दिया गया है। फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है एक मैन, एक अकेला आदमी से अगर वर्क कराया जाए तो 6 दिन में करता है, एक बॉय से वर्क कराया जाए 18 दिन में करता है। तो बोला जा रहा है अगर यहाँ पे फीमेल से वर्क कराया जाए, ठीक है, यहाँ पे बोला जाए एक औरत से वर्क कराया जाए, तो ये इस टोटल वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम 18 आ गया, टोटल यूनिट वर्क है, 18 को 3 से डिवाइड किया तो तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट वर्क करते हैं, 18 को 6 से डिवाइड किया, मैन अकेला एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है, 18 को 18 से डिवाइड किया, बॉय एक दिन में 1 यूनिट वर्क करता है, तो ये दोनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट वर्क करते हैं, तीनों मिलके एक दिन में 6 यूनिट वर्क करते हैं। अगर मैं इन दोनों का इसमें से माइनस कर दूं तो बचाएगा कौन, बचेगा आपका ये फीमेल, जो औरत है ये बच जाएगी। तो ये एक दिन में कितना यूनिट वर्क करे, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो फीमेल एक दिन में 2 यूनिट वर्क करती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि टोटल यूनिट वर्क को करने में फीमेल कितना वर्क लेगी, तो 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 डेज आपका राइट आंसर आ जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। चलिए साथ ही साथ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि 8 आदमी और होते तो इस कार्य को 10 दिन पहले समाप्त हो जाता, यानी कि कर लेते प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर थे। अब यहाँ पे हमें ये तो पता थे कि कुछ व्यक्ति, ये नहीं बताया कि एक्चुअल में थे कितने, बट ये बताया कि कुछ व्यक्ति इस कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इस टोटल वर्क को यानी कि एक्स मल्टीप्लाई 60, भाई जब कुछ व्यक्ति 60 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं तो इसका मतलब टोटल वर्क कितना रहा होगा, वो रहा होगा आपका x मल्टीप्लाई 60। तो x की मल्टीप्लाई मैं 60 में करूं तो ये आपका टोटल यूनिट ऑफ वर्क आ गया, और इसको हमें अब किससे कराना है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 8 आदमी और होते, यानी कि x आदमी तो पहले थे, x नंबर ऑफ आदमी जो पहले थे, अब वो मैं बढ़ा दिए, उसमें 8 आदमी और बढ़ा दिए, तो ये वर्क अब कितने दिन में होना स्टार्ट हो गया, 50 दिन में। तो मैंने भाई वर्क तो अभी भी उतना ही है ना, तो ये टोटल वर्क ये था, तो अभी भी वर्क उतना ही कराना है, बट अब कितने 8 आदमी ज़्यादा से कराना है, तो x प्लस 8 मल्टीप्लाई 50 करेंगे, तो यहाँ पे कितना होगा 60x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x प्लस 400, तो यहाँ पे 10x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अगर मैं इसके करूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 10x बराबर 400। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 400 डिवाइड बाई 10, तो x की वैल्यू आपकी आ गई है कितनी, 40, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इस टाइप की। देखिए करा तो मैं चुका हूँ इन इन क्वेश्चन को भी, बट दोबारा से एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया होता है √20 + √20 + √20 और इस तरीके से इनफिनाइट चला जाता है, तो यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि वैल्यू बताइए, वाई की वैल्यू बताइए। तो आपको क्या करना होता है, जो वैल्यू रूट के अंदर होती है उसका आपको फैक्टर करने होते हैं। फैक्टर किस तरीके से कि उनका डिफरेंस वन आए, ठीक है, उनका डिफरेंस वन आए, तो इस तरीके से आपको कुछ फैक्टर करने होते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, 5 × 20 होता है, अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो 1 है। अब यहाँ पे आंसर आपका आ चुका है, अगर ये वैल्यू जो लिखी है प्लस में है तो बड़े वाला आंसर हो जाएगा, अगर ये वैल्यू माइनस में होती तो आपका ये आंसर हो जाता, बस इतना डिफरेंस आपका रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 5। तो ये नेक्स्ट वाले को देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो 30 के फैक्टर क्या करेंगे, 6 × 5 = 30, दोनों का डिफरेंस कितना है 1, तो यहाँ पे को क्या है प्लस वैल्यू है, तो ये आपका 6 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, अब की बार क्या है, √12 है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 12 के फैक्टर करने हैं, 4 × 3 = 12, डिफरेंस कितना है 1 है, तो यहाँ पे क्या है माइनस है ना अब की बार, तो माइनस है, तो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ वैल्यू आपकी ऐसी भी हो सकती है जिनके फैक्टर नहीं हो सकते, तो उस कंडीशन में क्या करना है, आप जैसे 11 है तो 11 के क्या फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक ट्रिक याद रखनी है, ये वाले ट्रिक, अभी इस ट्रिक से आप जो ऊपर क्वेश्चन करें ना हम तीनों, ये भी कर सकते हैं और इससे ये तो हो ही जाएंगे, ये इसके लिए तो स्पेशली है ही। बस इतना करना है, 1 + √ 1 + 4x / 2, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू वो रखनी है जो इसके रूट के अंदर होगी, ठीक है। तो 1 + √1 + 4 × जो 11 है, इसको हम एक्स, मैंने बता दिया कि एक्स होगा, तो मल्टीप्लाई 11 कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, बस आपको इतना ही काम करना है, बाकी आंसर आपका आ चुका है 1 + √45 / 2, यही आपका राइट आंसर है, यही आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर तो आपने कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो का जरूर वेट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्द आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और देखिए सारी पीडीएफ आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जो ऑनलाइन टेस्ट आपका होता है रात को 11 बजे या फिर 10 बजे, दो टाइमिंग है, या तो 10 बजे होगा या फिर 11 बजे होगा, ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि 11 बजे ही आपका टेस्ट होता है, तो इसके पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं यहां से। टॉपिक स्टडी से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ज्वाइन करना टेलीग्राम चैनल, तो यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिलती रहती है, रीजनिंग की भी, मैथ की भी, ऑनलाइन टेस्ट जितने होते हैं सभी पीडीएफ, और कोई भी इंस्टेंट जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराना चाहता हूँ तो वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। अभी तक यहाँ पे 80,000+ बच्चे जुड़ चुके हैं, तो आप भी जल्दी से जुड़ जाइएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, या फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ से भी आप इन वीडियोज़ को देख करके फ़ायदा ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होगी, आप वीडियो को लाइक शेयर लगातार कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप इस तरीके से फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।